नाम है इस वक्त सब्रोसो किचन में, जिनका कहना है डिस्कवर अ वर्ल्ड ऑफ स्क्रम्शियस चिकन डिलाइट्स, जिसमें आज हम बना रहे हैं। हमें जाने का टाइम ही नहीं मिलता कि हम चप्पल खरीद सके, हम चप्पली कबाब बनाते हैं। बिल्कुल सही, और शौक से खाते भी रहते। जी जी। तो फरहान भी, जितने शौक से आप कुकिंग करते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप कुछ और ना कर रहे होते तो शायद आप कोई शेफ होते। हाँ, मैं हुमा जी का असिस्टेंट बन जाता। हाँ। अब तकरीबन बन ही चुका हूँ, सीख गया हूँ इनसे कुछ बहुत कुछ। आज आपको रेसिपी याद है ना? बिल्कुल। कैसे बने ये चप्पल कबाब, बताइए। जैसे आपने बताया था वैसे ही। नहीं नहीं, आपने सिर्फ पैकेट खोलना है। राज होता है, हर किसी को नहीं बताया जाता। हाँ, लेकिन सब्रोसो ने सारे राजों को कर दिया आसान, इससे कि आप डब्बा खोलें और उसके बाद लोग आपसे रेसिपी पूछते रहते हैं आपने कैसे बनाया था। आप उन्हें बताएं कि सब्रोसो ने बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाई। तो हुआ, ये स्प्राइट में क्या? पीच के साथ मैंने जो है ड्रिंक बनाया। अच्छा, स्प्राइट और पीच। तो पीच मतलब है आड़ू लिए, आड़ू का जूस बना लिया और उसके अंदर मैंने ऐड किया है स्प्राइट डाली है। आप सिर्फ कलर देखें और टेक्सचर देखें, जरा जूम करें जरा आप। क्या बात है, ऐसे लग रहा है चप्पल में भी कलर नहीं आते होंगे। देखें, ऐसे लग रहा है चप्पली कबाब जैसे। सब्रोसो ने तो कुछ बनाया ही नहीं ना, सारा कुछ फरहान भाई ने बनाया। सब्रोसो वालों ने तो बना के दे दिया, तलना भी तो कमाल होता है। बहुत कमाल वालों का भी कमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर हम तलेंगे नहीं तो फिर लोग खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो सब्रोसो की तारीफ कैसे करेंगे। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा, और सब्रोसो जो कहते हैं हम अपने प्यारों के साथ मिल बैठकर खाने की वैल्यू समझते हैं, इसीलिए टॉप नॉच क्वालिटी प्रोटीन लाने के लिए पुराजन, जो सेहत और क्वालिटी के बेहतरीन मयार और स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक और उसके साथ साथ खुश जायका भी। सो ये हमारे मजे के चप्पल कबाब और क्रिस्पी पॉपर्स। वाह जी वाह, पहला रोजा आज किस बच्चे का है? किस प्यारे से बच्चे का आज पहला रोजा है? पहले रोजा वाला आज कोई भी नहीं आया हुआ, सारे दूसरे तीसरे रोजे वाले कहाँ हैं? नीचे कहाँ हैं? वहीं पे हाथ खड़ा कर दो, किसका पहला रोजा है? अरे माशाल्लाह। इसका इन्हें माइक दीजिएगा, इसकी अम्मा को। इसकी एज कितनी है? हाँ जी, कितनी एज है इसकी? इसकी 6 साल। ये 6 साल की बच्ची है। नहीं करें। उठती है ये सही। हाँ? उठती है सही। हफ्ता हफ्ता इतवार छुट्टियां निकाल के 6 साल की है या वो मिला के? अच्छा चले जी, हाथ धुलाएंगे हम इन सारे प्यारे प्यारे बच्चों के डिटॉल के साथ, क्योंकि इफ्तार का वक्त आता जा रहा है करीब। और डिटॉल से हाथ क्यों धोते हैं हम? जर्म्स मर जाए। बिल्कुल, हाथ आगे करेंगे सारे बच्चे प्यारे प्यारे से, हाथ आगे करेंगे और जिसे कहते हैं बाजमात हाथ धोएंगे हम सब। ठीक है जी, वेरी गुड, डन। और अब हम लेंगे डिटॉल। कौन सा बच्चा जो है वो डिटॉल से हाथ धोता है घर में भी? आप? अच्छा, क्यों धोते हो डिटॉल से हाथ? जरासी मर जाए। अब वाह, ये इस बच्चे के हाथ धोने तो सबसे जरूरी है, इसे फ्राई करके हमें सारा कुछ खिलाना होता है। बच्चे को भी लगाए। ओए, इसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल, ये है 6 साल की छोटी सी बच्ची। वही मैं कह रही थी कि ये 6 साल की कैसे होगी? हफ्ते इतवार निकाल के, ये छुट्टी वाला दिन निकाल के। आप इसमें महल अगले 4 साल के भी हफ्ता इतवार डाल ले तो भी 6 साल मुश्किल से बनते। अच्छा जी, तो हमने आपने इसको रोजा रखवा दिया हुआ है, जुल्म है वैसे। इतने छोटे होते थे ना, हमारे अब नियत कराते थे कि बेटा रोजा खोल लिया करो, जो बहुत नियत होती थी रोजा रखता हूँ मैं, डालम डोल जब दिल चाहे जब ही खोल। वाह 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 वाह, ये नियत तो आप बताएं, ये तो बड़ी जबरदस्त नियत है। हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे हमारी, क्या नाम है आपका? फलक जहरा कहती है कि भाई हमने रोजा रखा है, ऐसे बच्चों को रोजा रखना चाहिए, जल्दी से खोल लेना चाहिए ताकि जब बड़े हो तो पूरा रोजा रखें। नियत करें, रोजा रखता हूँ मैं डालम डोल जब दिल चाहे जब ही खोल। वेरी गुड, डिटॉल से हाथ साफ, जो कि जरासीम से बिल्कुल साफ। इस बच्ची को भी आगे को आपके हाथ धुलेंगे? आज बिल्कुल सही, वेरी गुड। सारे प्यारे प्यारे बच्चों के हाथ साफ हो गए, आपके भी हाथ। आप में से कौन कौन उमरे का टिकट जीतना चाहता है? सारे लोग ही चाहते हैं। वाह वाह वाह, लेकिन कुछ सवालों से पता चलेगा कि असल में शौक किसको कितना ज्यादा है, क्योंकि जो अगर आप जिसको लगन होती है, जिसकी लगन होती है ना, उसके बारे में बंदा इधर उधर से भी, लोगों से भी पूछता है, हर जगह से उसके बारे में खोज लगाता है, पता लगाता है। क्या हाल है शाह साहब? जिससे प्यार होती है होता है ना, बंदा उसका आता पता सारा कुछ जो जहां से इंफॉर्मेशन मिले इकट्ठी जरूर करता है। तो आज मैं देखूंगी किसको कितना ज्यादा प्यार है, कितना ज्यादा होप है। तो पहला सवाल मैं जो आपसे करने जा रही हूँ वो ये है, मिसाक मदीना कब तहरीर हुआ था? जिसे मिसाक मदीना कहते हैं वो कब तहरीर हुआ था? किसी को नहीं पता। ये यकम हिजरी को हुआ था। जिसने आसान सवालों पे आते हैं, आयते किबला जो है
वो किस सूरह मुबारका में तहवीले किबला का जहां रुख हुआ था, अपनी समझ फेर लीजिए, तहवीले किबला का जो हुक्म हुआ था वो कब हुआ था, ये भी नहीं पता। अच्छा फिर मुझे बताइए हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है। वेरी गुड। नहीं हाथ खड़े करेंगे, हाथ खड़े करेंगे, हाथ खड़े करेंगे तो फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। अच्छा जी जी इनको दीजिएगा सबसे पीछे जो बैठे हुए जी। अच्छा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियां थी, कितनी साहबजादियां थी जी, तशरीफ रखेंगे कितनी, बैठ के बताएंगे जी। चार, दुरुस्त जवाब है बिल्कुल। अच्छा दूसरा सवाल आपसे करूंगी, हजरत अली करमुल्ला वजह का रसूल पाक से क्या रिश्ता था जी, आप लोगों ने नहीं बोलना, उन्हें जवाब देने दें, भाई भी नहीं भाई की मदद करेगा जी। दामाद थे, ये भी रिश्ता सही है, दामाद भी थे लेकिन एक और रिश्ता भी था भाई, आप लोगों ने नहीं बताना। चचाजाद भाई, चचाजाद भाई थे, दुरुस्त जवाब। ये मैं सारी फैमिली इकट्ठी बैठी हुई है ना। अच्छा ये तीसरा सवाल है आखिरी, अगर इस सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दे दिया तो उमरे की टिकट जो है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आज सुबह शो के आगाज में हमने एक सूफी बुजुर्ग का तذکرہ किया था, उनका नाम क्या था, आप ही ने बताना है, आप ही ने, क्योंकि तीसरा सवाल आपसे है। आज सुबह शो में आप सुबह से बैठे हुए हैं ट्रांसमिशन में, हमने एक सूफी बुजुर्ग का तذکرہ किया था जिनके हमने वाकयात सुनाए थे, इतनी सारी बातें बताई थी आपको, ये भी बताया था कि वो हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता सरकार के मीरा हुसैन शाह, हाँ हजरत मीरा हुसैन। अच्छा अब आप में से आस पास में से कोई नहीं बोलेगा, अगर आप साथ वाले के बताए हुए नाम का आखिरी हिस्सा बता देंगे तो मैं आपको इनाम दे दूंगी, बोलना नहीं किसी ने। और आपके माइनस मीरा हुसैन का नाम पूरा क्या था, हजरत मीरा हुसैन, कोई नहीं बोलेगा, शाह साहब हैं, मुझे बोले शाह साहब ये बोला। मीरा हुसैन का पूरा नाम क्या था हजरत मीरा हुसैन, नहीं ओए होए होए। अच्छा चले जी, यहाँ पे कौन 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 और कौन, इनको दीजिएगा, इनसे पूछेगा, हजरत मीरा हुसैन का पूरा नाम क्या था, हजरत मीरा हुसैन जंजारी, दुरुस्त जवाब। अच्छा मुझे बताइएगा सूरह यासीन को क्या कहा जाता है, मैं आप लोगों ने नहीं बोलना है जी, उनका दिल कहा, अब मैं आपकी वजह से उनका जवाब भी दुरुस्त मानूंगी क्योंकि आप लोगों ने बोल दिया है, नहीं बोलना, इनके पांच पांच नंबर का दिल, बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब, इनके पांच पांच नंबर का, बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब। अच्छा अब दो दो पकोड़े कम करेंगे, आखिरी 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 सवाल है ठीक है, और सुप्रीम की उम्र की टिकट आपकी हो सकती है, कयामत की कोई एक बड़ी निशानी बता दे, कयामत की जो निशानियां बताई गई है कोई सी एक बड़ी निशानी बता दे, और सुप्रीम की उम्र की टिकट आपकी हुई। आइए आइए आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, भाग के आइए, देखे जी। सो ये होता है गौर से सुनने का नतीजा, अगर आपने ट्रांसमिशन में गौर से सुना होता तो पता होता हजरत मीरा हुसैन जंजानी की बात हुई, और बहुत शुक्रिया आपका। टिकट आपको, आंटी आप अम्मी, अच्छा वाह वाह वाह, आप क्या दुआ मांग के आई थी आज के बेटे को उम्रे की टिकट मिल गई, हाँ बहुत मांगी है, आज पूरी हो गई। अच्छा आपने क्या दुआ मांगी थी, बस कभी नहीं ना पास है जाना, बहुत रोज नमाज के बाद मांगती हूं। अच्छा चले बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच, तशरीफ रखेंगे आप, और आपको सुप्रीम की उम्र की टिकट मुबारक। ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भी है, फरमाइशें आप अपनी नोट करवाएंगे, फरहान भाई पूरी करेंगे, अगर आप भी कोई फरमाइश करना चाहें। लाइन कहते हुए चलते हैं, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, लो करम हो गया, मदीने चला। खुशामदीद, नूर रमजान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, और अब वक्त है कि आप लोग जल्दी जल्दी अपनी फरमाइशें बताएं और हम उसे फरहान भाई और शहजाद मदनी साहब जो है वो पूरी करें। कौन सा कलाम सुनना चाह रहे हैं, सबसे पहले उस बच्चे ने हाथ खड़ा किया हुआ है, कशी जामे शीनी का तोहफा भी इन्हें फौरन दे,
और उसके बाद जी फरहान भाई मैं आपसे अली वाले सुनना चाहता हूँ। अली वाले बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा जी इसके अलावा इधर और कौन आप क्या फरमाइश करना चाह रही हैं? काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बिल्कुल सही। इनको भी दे बेहतरीन मशरूब जामे शरी का तोहफा। यहाँ पे और कौन है जी इनसे पूछेगा, इनसे जी क्या सुनना चाह रहे हैं? जमीन से लेके आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। जमीन से लेके आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। अली के झंडे गड़े हुए हैं, बिल्कुल सही। इस प्यारी बच्ची से भी पूछिए, वाह जी। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। मेरा टाइम कम है तो हम बस यही फरमाइशें पूरी कर सकेंगे। इनको आइडियोनिक के गिफ्ट टेम्पर दें, प्यारी सी बच्ची को जिससे कि पिंक ब्लैक दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैं लाहौर से हूँ। अच्छा तो अच्छा वाह माशाल्लाह। अरे वाह माइक दीजिए इनको। आपका नाम क्या है? शहजाद रुस्तम। शहजाद रुस्तम साहब आप हमारे लिए ये पेंटिंग लेकर आए, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। ये आपने खुद अपने हाथों से बनाया? माशाल्लाह। हमारी तरफ से आप लेके जाएंगे आइडियोनिक का और कशी जामे शरी का तोहफा। थैंक यू सो मच, मेहरबानी। आपके प्यार का, आपकी किदत का शुक्रिया। काश में दौरे पैगंबर उठाया जाता बखुदा कदम मिसगार के पाया जाता। हाथ उठाकर बोले सारे काश में दो मैं उठाया जाता, हक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, हक को खाके मदीना में मिलाया जाता। फिर बोले एक बार काश में एक कलाम बस और पढ़ रहा हूं, फिर इंशाल्लाह आगे भी फरमाइशें पूरी करेंगे। फकीरों का भी क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत। जहाँ जिक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने बल्कि मैं यह ऐलान भी करता चलूँ, जब मौला अली का जिक्र आया इंशाल्लाह अरबईन पर इमाम हुसैन के चेहलों पर हम इंशाल्लाह जाएंगे नजफ से करबला पैदल चलते हुए, जिसमें मैं खुद भी हूँगा। ये हमारा जो लोगो है, 99 नुमेरिक अदद है, जिस तरह 786 बिस्मिल्लाह का अदद होता है, या मोहम्मद का अदद है 92, या अली मदद 110, या अब्बास 133, इस तरह 9 जो अदद है ये अदद है बीबी सैयद का, बड़ा लकी नंबर होता है ये, बहुत बहुत लकी नंबर होता है। इसी से हमारा 9 ट्रैवल मंसूब है, और इंशाल्लाह जो रब्ता करना चाहें हमारे फेसबुक पर 9 ट्रैवल के पेज पर जाकर 9 ट्रैवल नेटवर्क के पेज पर रब्ता कर सकते हैं। कोई कैद नहीं है, शिया हो सुन्नी हो, अरे कोई भी हो, हिंदू हो सिख हो ईसाई हो, सब करबला जा सकते हैं। आइए मिलकर फिर पढ़ते हैं, अली वाले बैठे वही जन्नत बना। और फिर हम उम्रे पे भी जाएंगे। शहजाद गद्दी साहब जरा आइए, इन सब की तैयारी कराते हैं उम्रे की। 9 ट्रेवल के साथ भी जब जाएंगे तो हाथ उठा के सारे बोले, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, ऐसी तैयबा की गलियां जैसे सोने की लड़ियां, ऐसी तैयबा की गलियां जैसे सोने की लड़ियां, हाथों से
چومیں گے ہم سونے کی جالیاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا ہاتھ اٹھا کے سارا بولے مل کر کس مدینے جانا کس کس مدینے جانا کر لو تیاریاں ابھی جس کے ہاتھ نیچے نہیں وہ کیا سمجھوں میں جس کے ہاتھ نیچے کہ مدینہ نہیں جانا جانا ہے نا تو بولے جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلى رزقك افطرت اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کردہ رزق سے افطار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ثم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کردہ رزق سے افطار کیا
جناب نور رمضان ٹرانسمیشن کا اپنے اختتام کے قریب پہنچنا اور آپ سے اجازت لینے کا مرحلہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, لیکن آج پھر ایک تاک رات ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے, ہماری کمیوں کوتاہیوں ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف فرمائے اور جہنم کی آگ سے نجات دے, آمین. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کی افطار ٹرانسمیشن میں, اور سحری ٹرانسمیشن میں آپ ملیں گے فرحان بھائی سے, جو اب ایک خوبصورت کلام ہمیں سنائیں گے. اور پھر اس وقت تک کے لیے, کل کی ملاقات تک کے لیے, اللہ حافظ. اور کلام میں نہیں, ہم سب سنائیں گے. ٹھیک ٹھیک, مل کے پڑھیں گے, مل کے پڑھیں گے. ہماری طرف سے یہ بھی ایک عبادت ہے نا. بالکل بالکل. میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, تو کرم ہو گیا. میں مدینے چلا, لو کرم ہو گیا. میں مدینے چلا, 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 پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا. میں مدینے, کون کون مدینے جانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے. میں مدینے چلا, 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 میں مدینے چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم, میرے گندے قدم اور ان کا حرم, لاج رکھنا خدا. میں مدینے چلا, لاج رکھنا خدا. میں مدینے چلا, فرشتوں نے بتایا ہے. میری قسمت پہ نازا ہے مقدر ساری دنیا کے, میرے سرکار نے مجھ کو وطن اپنے بلایا ہے. میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, کرم ہو گیا. میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا. میں مدینے